तो ये है हरिद्वार का गंगा घाट। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार आया हूँ। अब भी आप लोगों को दिखने में सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन अब देखो यहाँ की सच्चाई। मतलब लोग बोलते ना कि यार गंगा घाट इतना गंदा क्यों है। भाई यहाँ मतलब साफ सफाई का कोई सीन ही नहीं है। मैं रात भर से यहाँ हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को झाड़ू लगाते हुए भी नहीं देखा। तो ये हाल है गंगा घाट का। कुल मिला करके बात की जाए तो धार्मिक वार्मिक आस्था वास्ता सब गई बाढ़ में। यहाँ ये गंगा घाट सिर्फ अब कमाई का एक जरिया बन गया है। करप्शन है फुल। कॉम्प्लेक्स के बाहर 5 रुपये चार्ज लिखा होता है, लेकिन आपसे 10 रुपये लिए जाते हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, हरिद्वार का स्पेशली। और गंदगी भाई इतनी है ना, पूछो मत। लोग यहाँ खुद को पवित्र करने को आते हैं, लेकिन इस घाट को ही कभी साफ नहीं किया जाता, मुझे ऐसा लग रहा है देख करके। वैसे मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप खुद देख सकते हो क्या हाल है यहाँ के। ये देखो, मतलब यहाँ के प्रशासन ने यहाँ पर डस्टबिन तक नहीं लगाए हुए, और जब लोगों को डस्टबिन नहीं दिखते तो लोग इधर उधर ही फेंकते हैं। शायद यही वजह है। और मैं आज आपको पूरा गंगा घाट घुमाने वाला हूँ, तो देखते जाओ यहाँ के नज़ारे। मतलब अगर बात की जाए हिंदुओं के धर्म स्थल की, तो सबसे पवित्र जगह ये मानी जाती है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों को देखते होंगे तो क्या ही गुजरती होगी दिल पे कि यार ये है हमारी सबसे पवित्र जगह जहाँ पर हम अपने पाप धोने आते हैं। इतना बुरा हाल है। और इस गंदगी में पता है यहाँ के लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ है। लोकल्स से मेरा मतलब है जिन लोगों ने यहाँ पे दुकान वगैरह लगाई हुई है ना, चाहे वो किसी की भी दुकान हो, चाहे वो मालाओं की हो या किसी की, मतलब वो ऐसे तरीके से साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देते, इधर ही थूक देते हैं खा पी के। अभी मैंने देखा बहुत से लोग चलते चलते खा के इधर ही, मतलब गुटखा उटका खा के इधर ही थूक रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, मतलब फुल गंदगी फैलाने वाला काम है भाई। इतना गंदा तो ये देखो, ये फिर से डाल दिया इन्होंने भाई। इतना गंदा तो मतलब हमारा पुष्कर जी है ना, पुष्कर धाम राजस्थान में, वो इससे लाख गुना ज़्यादा साफ सुथरा है हरिद्वार से। देख लो आप, लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है शायद, या फिर कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से आता है क्योंकि उनको विसर्जन वगैरह करना होता है, कुछ लोग आस्था की वजह से आते हैं। लेकिन ये सब देख करके उनका दिल बहुत रोता होगा लोगों का कि क्या हाल किया हुआ है हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान का। देख लो भाई, हालांकि क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन अगर सरकार चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ सुधार हो सकता है। जो लोग भी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो सरकार हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने गंगा में, गंगा का। ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुधार कर ही सकते हो। और पता है करप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा में नहाने के बाद लेडीज़ को कपड़े चेंज करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है, और उसके बाद 10 रुपये वहाँ देने पड़ते हैं केवल कपड़े चेंज करने के। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप में से बहुत से लोग हो जो मुझे गलत समझे या मुझे बोले कि भाई तू तो मतलब हरिद्वार की बदनामी कर रहा है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ इसमें सुधार हो, बहुत सही सुधार हो। और देखो यहाँ पर कितने लोग आते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार को इससे कमाई नहीं होती, अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से होटल्स वगैरह, और बात की जाए धर्मशालाओं की, तो हमेशा मेरे को आया तब से मेरे को फुल्ली मिली।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन शायद करना नहीं चाहते। देखो ऐसा मत समझना कि मैं इस तीर्थ स्थल को मतलब बुरा बोल रहा हूँ या बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। देखो मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह ही हूँ, यहाँ पे आया था। शायद मैंने सोचा था मतलब कि देखेंगे गंगा उंगा का पानी, गंगा घाट वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन जो यहाँ दिखाई दिया ना, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं यहाँ की मतलब बुरी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें सुधार हो। बाकी ये गंगा घाट और इसके किनारे पे ये इधर का मार्केट है कुछ, और इधर पूरी गंदगी है भाई, मतलब इतनी बदबू आ रही है ना इस टाइम यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर आ चुके होंगे या अभी होंगे इस टाइम पर, उन सबको पता होगा कि क्या हाल है यहाँ का। और मुझे यहाँ पे मतलब जो जिन लोगों की शॉप्स है, दुकानें वगैरह है, उनके अलावा और जो बाहर से लोग आए हुए उनके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा ना। तो मुझे यहाँ पर कोई पुलिस नज़र आई, खैर पुलिस का तो कोई काम भी नहीं है, अगर ना आए तो भी चल जाएगा, लेकिन इस जगह को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है भरो, किसकी। पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर डस्टबिन रखे जाते तो शायद लोग इधर उधर तो नहीं फेंकते। कसम से इस जगह की ये दुर्दशा देख करके ना मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मतलब जब मैं यहाँ आने के लिए आ रहा था ना, मतलब तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कैसा होगा सब कुछ, क्या होगा, और मतलब सबसे पवित्र जगह बोली जाती है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता है मैंने बहुत ही बुरे हालात देखे इस जगह के, गंदगी बहुत है, बाकी सब ठीक है, बस गंदगी बहुत ज़्यादा है और एक करप्शन बहुत ज़्यादा है आसपास मार्केट में। मतलब जो प्राइस लिखी होती है ना उससे डबल प्राइस लिया जाता है, 1 रुपये का शैम्पू आपको 2 रुपये में दिया जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा भैया यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों? पता कहाँ से इतनी नॉलेज नहीं है। आप तो यहीं के होना, रसीद काटते हो ना? हम रसीद भी नहीं काटते, हम तो बैठे हैं। ये मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर गंगा का, दर्शन भी आपको हो ही जाएंगे लगभग। बस वो सामने ये बंदा खड़ा है वो थोड़ा सा हट जाए, हो गए होंगे आई थिंक। श्री श्रृंगेरी मठ, श्री सत्यनारायण मंदिर, आदि गुरु श्री शंकराचार्य। वो ही एक ब्रह्म, ये है महर्षि वाल्मीकि मंदिर। जिस साइड ये मंदिर है सारे, वहाँ पर बहुत ही अच्छा है,
बहुत अच्छा, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ का, तो मैं भी बोलता हूँ यहाँ काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है। लेकिन उस साइड पर जो गंगा घाट के थोड़े लास्ट वाले हिस्से हैं वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी, और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ का मैं झूठ मूठ कुछ भी नहीं दिखाऊँगा, जो सच है जो ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं भी बोलता हूँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छी है। जहाँ पर ये सारे मंदिर है, गंगा मंदिर, शिव मंदिर, सारे मंदिर जहाँ पर है ना, वहाँ पर काफ़ी अच्छा है साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ। उस साइड थोड़ी सी थी गंदगी ज़्यादा, और ये पूरे मंदिरों की साइड है। यहाँ पर इस एरिया में आपको गंदगी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये यहाँ से इस जगह से यहाँ से ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक, जहाँ तक सामने मंदिर नज़र आ रहे हैं वहाँ तक, ये हर की पौड़ी है। और इस एरिया में सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको, मतलब साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुख्य मेन टेंपल है, मंदिर है, तो शायद इसलिए है। बट जैसे आप हर की पौड़ी से बाहर निकलते हो, दूसरी साइड पे जाते हो, जैसे कि उस साइड पे अगर आप जाते हो, तो उधर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। बट इधर का मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर अच्छी साफ़ सफाई है, सब कुछ है। तो ये देखो, अभी ये खाना लेके आया, दोनों बात कर रहे हैं, और ये पूड़ी इसने अलग डाल दी, और ये खाना लेके आए। ये देखो, ये दोने लाला के दिए जा रहे हैं यहाँ पे।